सरपंच इंजीनियर, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर, बिजली डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट। ये शिकानी साहब, टेस्ट करने की क्या वजह थी आज? ये हमारा जो है कल से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, ये कोई इस महीने में तीसरा चौथा ट्रांसफार्मर है जो जल गया है। हमारी बिजली डिपार्टमेंट से यही डिमांड थी कि आप ट्रांसफार्मर जो है वो अच्छी क्वालिटी का लगाएं ताकि वो चले, और ये मुझे लगता है कि ये इस महीने में तीसरा चौथा ट्रांसफार्मर जला है। आप ये लोकेलिटी हमारी देख लें कि इस लोकेलिटी में कहीं भी छोटी छोटी गलियां हैं, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, और यहाँ पे आप ये देखें कि वो कमरे तक हवा पहुँचनी भी बड़ी मुश्किल है। मतलब एक ऐसा लगता है कि वहाँ पे बगैर बिजली के आधा घंटा भी रहना जो है एक वो दम घुटता है। तो हमारी यही डिमांड थी चीफ इंजीनियर साहब के साथ। पहले हमने एक्सी साहब से मीटिंग की, फिर चीफ इंजीनियर साहब से मीटिंग की, हमने कहा जी ट्रांसफार्मर आज दें, वो इस बात के लिए भी हमें अगर कह देते कि आज नहीं आज साहब। एक तरफ दिखता नहीं है कि बिजली प्राइवेट हो रही है, ऊपर से बिजली के कट भी ज्यादा हो रहे हैं सर, वो वाली तो है ही है। एक तरफ गर्मी, एक ना इनका मुझे चीफ इंजीनियर साहब की बात एक बड़ी अनोखी सी लगी। वो कहते हैं कि जनाब इनके बिल कम आ रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी हमारी कॉलोनी है, इन्होंने कोरोना टाइम के जब इतना मुश्किल वक्त आया, इतनी पूरे दुनिया में आफत आई, उस टाइम इस कॉलोनी के लोगों ने अपने भारतवर्ष की भी सेवा की, जम्मू के शहर के लोगों की सेवा की, और इनको इस सेवा का ये नतीजा निकला कि इनकी आपने आप ट्रांसफार्मर इनका कहते हैं सड़ गया, तो अब नया नहीं लगेगा। नया क्यों नहीं लगेगा? मैं चीफ इंजीनियर साहब की बात सुन के हैरान हो गया। कहने लगे इनके बिल जो पेमेंट है, इनकी बैलेंस है, बिजली का बिल बैलेंस है। बिल बैलेंस एक कॉलोनी का नहीं है, पूरे जम्मू में आप पूरे खिते में देखें। गलती किसकी है? एक महीना अगर टेलीफोन का बिल हम जमा नहीं कराते तो आप अगले महीने उस टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया जाता है। आप अगर ये निकालोगे कि यहाँ तो 10-10 साल का, 8-8 साल का बाकी है, तो आप काट देते बिजली। कश्मीर का बिल आ रहा है, कश्मीर का बिल आ रहा है। आप ये देखें कि आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें कि किसी ने इस कोरोना काल में बिल दिया है, और इस कोरोना काल में ही आपको ये याद आ गया। एक गरीब आदमी वैसे जो है दिक्कत में है, उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही, महंगाई आसमान छू रही है, और मैं हैरान हुई इसी टाइम आपको लगे कि लोगों ने बिजली का बिल नहीं जमा कराया। और आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू शहर को बताना चाहता हूं कि अभी तो इनके मीटर के बिल नहीं लगे हैं, इनका मीटर नहीं लगे हैं, ये बिल किस बात का मांग रहे हैं? अभी तो मीटर लगे नहीं है, तो अगर आप मीटर पहले लगाओगे कि जो हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। देखिए, अगर हमारी डिमांड नहीं सुनी जाती तो जैसे कि हमारे सिंगारी साहब ने बोला है कि हम भूख हड़ताल पर जाएंगे, तो कल 11 बजे का हम इनको टाइम देते हैं। अगर हमारी हड़ताल नहीं कुछ हुआ तो हम सिंगारी साहब के साथ हैं, भूख हड़ताल पर जाएंगे। भूख हड़ताल पे ऐसे पैसे भी तो मर रहे हैं। आपके माध्यम से हम बता दें कि अगर 11 बजे तक हमारा मसला नहीं हल हुआ तो हम पीसफुली हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, और टिल डेथ। ये भूख हड़ताल हमारी एक दिन या दो दिन नहीं होगी, टिल डेथ होगी। आपके माध्यम से मैं डिपार्टमेंट को ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। सर, पहले कॉलोनी, इस कॉलोनी का इतिहास भी जानना चाहिए ना, इतिहास क्या है इसका? जब लोग घरों में बैठते थे, जब कोरोना चला था पिछले साल, तब हम लोगों ने इतना काम किया ना, क्या हम इंसान नहीं है? हमारे में जान नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे को नहीं कोरोना हो सकता है? तब बोलते थे सफाई कर्मचारियों को सलूट है, जो ये पुलिस वाले उनको सलूट, डॉक्टरों को सलूट। ये हमारा नतीजा दिया इन्होंने, ये नाम दिए हमारे को। बाहर के लोगों को हमने देखा हाथ डाल रहे थे, हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ रहे हैं, बोलते आप मरी जाओ तो अच्छी बात है। ये कैसा दस्तूर है इनका? हम 11 बजे तक टाइम देते हैं इनको, नहीं कुछ बनेगा, हम शंगारी साहब के साथ है, मरना तो वैसे भी है, भूख करके मर जाएंगे फिर क्या है। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जितने भी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सफाई कर्मचारी है, हम काम छोड़ हड़ताल करने के लिए इनको बोलेंगे, और काम छोड़ हड़ताल भी करवाई जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएंगे हम काम पर। हमें कोरोना में बोला था काम करने के लिए, हमें कोरोना में बोला था काम करने के लिए, हम कोरोना में काम करते थे, हमने सब सारा काम किया, फिर भी हमें ये प्रॉब्लम लाइट की। जी सर। सर, पहले इस कॉलोनी का इतिहास ऐसे है, 70 साल पहले यहाँ हमारे बुजुर्गों को पंजाब से गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से लाया गया था। उस समय उनके साथ ये वादा किया गया था कि हम आप हमारे चलो,
जम्मू कश्मीर के लोगों के सेवा करो, हम आपको सब कुछ फ्री करेंगे, घर भी देंगे, हर चीज जो आपको कुक होगा देंगे, जगह भी देंगे। आज ऐसी मुश्किल होगी, कई जगहों में पंजाब में बिजली फ्री कर रही है गवर्नमेंट, और हम लोग इधर सरकार तो सब कुछ बंद कर रही है। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। अब की बारी मीडिया के माध्यम से ना भी अपनी गल पहुंचाई, और वैसे भी आज असं पूरा दिन ही अपनी गल असं करते रहे। पिछले भी जो ट्रांसफार्मर सड़े वो साड़ी गलती ना नहीं सड़े, कोई तो रूटीन प्रोसेस है। अगर अगर ट्रांसफार्मर सड़ जाता है तो उसका चेंज करना का काम है। और असं कह दिए कि असं डिपार्टमेंट की गल कही कि अगर तुम नवे मीटर लगाना चाहते हो तो असं लगाने से तैयार हाँ। अब सारे इतने बैठे थे मीडिया वाले इतने बैठे, क्या तुम सारे तैयार हो? हाथ खड़े करके जवाब दो। बिल्कुल, असि नवे मीटर लगाने से तैयार हाँ। एक मिनट, असि बिजली का बिल देने से तैयार हाँ। सारे ने हाथ खड़े करके करना कहीं असि तैयार हाँ। जब असि बिजली का बिल देने से तैयार हाँ, क्यों नहीं मिला? ठीक है ना, टकराव पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, असि सिंपल जाके महेशपुरा चौक या गवर्नर हाउस असि भुख हड़ताल उपर बहना, तब तक नहीं असि उठना जब तक साड़ी डिमांड पूरी नहीं होंगी। ठीक है जी, सर एक मिनट, सरकारी क्वार्टर च आता, सरकारी क्वार्टर पीआईडी क्यों नहीं आती है?